तो गाइस अभी मैं हूँ पार्ले फैक्ट्री में और जहाँ पे बिस्किट्स बनते हैं, और अभी मैं आपसे थोड़ी कल की बात करूँगा एंड फिर आऊँगा अभी प्रेजेंट में। तो कल मैं टेक्निकल गुरुजी से मिलने के बाद जुबिलेंट फैक्ट्री गया, केमिकल फैक्ट्री थी, एंड वो केमिकल फैक्ट्री में भाई इतनी ज़्यादा बदबू मतलब सहन के बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, सबकी बैंड बज गई थी उस बदबू में। हमारे ट्रिप में टोटल 52 लोग हैं, 52 के 52 लोगों की बैंड बज गई थी, एंड जब हम रूम पहुंचे तो भी हमारे कपड़ों से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि आप सोच नहीं सकते। सही बता रहा हूँ, सोच नहीं सकते। अगर कैमरा से आपको स्मेल मिल सकती ना तो आप लोग मेरी वीडियो देखना छोड़ देते, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। लेकिन आज एकदम अपोजिट है, आज हम बिस्किट फैक्ट्री में आए और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू है, एंड कल जैसे गर्मी में हम पागल हो गए थे, यहाँ पे एसी लगी है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना मना है फैक्ट्री का, तो इसीलिए मैं सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लूँ, एंड यहाँ विज़िट करने के बाद हम जाएंगे टाटा मोटर्स में, वहाँ पर फैक्ट्री विजिट है, एंड फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे जिम कॉर्बेट। तो व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं एंड देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो राइट नाउ वी आर इन टाटा मोटर्स एंड लेट मी सी वेदर आई कैन व्लॉग और नॉट। अभी तक पता नहीं है कि वीडियो बनाना अलाउ है कि नहीं है। अगर हुआ देन आई विल शो यू एवरीथिंग, एंड अगर नहीं हुआ देन आई विल शो यू नथिंग। ओके गाइस, सो वी हैव फाइनली रीच्ड इन जिम कॉर्बेट, और जो होटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ ही साथ इस होटल में स्विमिंग पूल, साइकिलिंग एंड बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम स्विमिंग करेंगे सबसे पहले। ठंड बहुत ज़्यादा है, लाइक मेरे हाथ पूरे अभी जम गए हैं, लेकिन फिर भी स्विमिंग तो हम करके रहेंगे। एंड अभी मैं बैठा हूँ स्विमिंग पूल के पास, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल है यहाँ का, तो अभी स्विमिंग पूल के पास बैठा हूँ और व्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हाँ, तब तक आप लोग थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ज़्यादा अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ला पा रहा हूँ, तो देखो सिनेमैटिक शॉट्स। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Okay guys, so today is day 2 and we are in our resort, और अभी मैं अपने रूम में हूँ। मेरा रूम टूर कुछ देने लायक है नहीं खास, और हम लोग निकल रहे हैं साइकिलिंग के लिए। यहाँ पर सारे माउंटेन बाइक्स रखी हुई है रिजॉर्ट में, तो साइकिलिंग करने जाएंगे अभी, तो निकलते हैं। आई एम ऑल रेडी एंड लेट्स गो फॉर राइड। सो राइट नाउ इट्स 7:34 इन द मॉर्निंग, और जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है अभी। एंड मैंने इस जैकेट के अंदर एक स्वेटशर्ट भी पहना है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन सर। तो मैंने इस जैकेट के अंदर एक और जैकेट पहना है, तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है। एंड सुबह सुबह भी धुएं निकल रहे हैं मुँह से। तो ये रही बाइक्स,
तो इन पर सोच रहा हूँ कि अभी राइड करने जाऊंगा, तो देखते बात करते। ओके गाइस, तो जो साइकिल राइड है ना वो 200 रुपीज़ पर आर के हिसाब से, एंड यहाँ से निकलने के बाद एक बहुत ही अच्छी लेक है तो वहाँ पर जाऊँगा। एंड राइट नाउ आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल, कि ज़्यादा लोग आएंगे तो साइकिल चलाने में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा मज़ा आएगा, तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ अभी जब मैं खड़ा होकर रिसेप्शन में बात कर रहा था तो रिसेप्शन से मेरा कैमरा बहुत ही अच्छे से गिरा। कहाँ से गिरा दिखाओ, वो जो ऊपर रिसेप्शन डेस्क है ना वहाँ से डायरेक्ट नीचे, प्राण अटक गए थे। आई हैड ए ग्रेट टाइम नियर दिस रिवर, और मज़े की बात यह है मेरे जूते जो थे वो गीले हो गए। एक क्लिप है जो देख लो आप लोग। तो इस वजह से मेरे जूते गीले हो गए, तो मैंने अपने जूतों को रौनक के कैरियर में लगा दिया है, और अब मैं हाँ तो अंश के कैरियर में लगा दिया, और अब मैं नंगे पांव साइकिल चलाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, लाइक मैंने सोचा नहीं था जिम कॉर्बेट इतना अच्छा होगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग आ सकते हो, और बहुत ही सुंदर जगह है। फ़ोटोज़ के लिए कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, तो अगर आपको फ़ोटोज़ देखनी है ना तो नीचे लिंक है मेरे इंस्टाग्राम चैनल की, जाओ फटाफट वहाँ फॉलो करो और फ़ोटोज़ देख लो। चले चल भाई उधर चलना है। अरे वो ट्राइपॉड निकाल के लाना। यू नो व्हाट गाइस, आई नो कि ये व्लॉग थोड़ा लेंदी बन रहा है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी, उसमें जिम कॉर्बेट एंड नैनीताल के व्लॉग्स जो है थोड़े कम इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि प्लेसेस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो आई एम एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस इन वन वीडियो अच्छे से, तो आप लोग को भी ज़्यादा समझ में आएगा। जो टूरिस्ट है जो आना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए ये बहुत बड़ा ये व्लॉग फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे को भी देना। इधर देखिए इधर शुभम, शुभम। तो अपन जिप्सी में लोड हो गए हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। ये अपनी पूरी ग्रुप इधर की, ये इधर की। पाजी सर, तो चलो लेट्स गो। तो अभी अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि जिम कॉर्बेट में घुसने के 4 गेट हैं, और हमारा जो है ब्रिजरानी गेट है, तो हम वहाँ से जा रहे हैं। पांच गेट है। गेट नंबर पांच। ब्रिजरानी जोन। ओ, आगे आज तक। भाई दो दिन दे। ये भाई इधर क्या बाइनोकुलर्स बेच रहे थे, 100 रुपये में निकॉन का बाइनोकुलर्स लिया हूँ, बहुत ही तरफा है। और इसी में हम लोग फ़ोन को लगा के, मतलब इधर ये वाले से फ़ोन को लगा के दूर दूर तक की फ़ोटोज़ ले रहे हैं। कैसी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, इस टाइप की कुछ, समझे। तो बस अब जाने वाले, एक गाड़ी निकल चुकी है, अब थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी निकलेगी। सलीम भाई ऐसा है ना, आगे कैंपस में रुकाना गाड़ी, और जिसमें बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं इधर उधर कर लेना, ठीक है। वो नहीं जाए, उसको छोड़ दो ना यार, इन पे 9 में करो ना। कुछ दिखाए हम लोगों को, और गाड़ी पीछे ले रहे हैं, उधर से भी सारी गाड़ियां रिवर्स हो रही है, तो देखते हैं क्या दिखाए। Home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Away, I'm tired of. Go away.
fell where my demons dwell. My own little nightmare. I could. अभी तक कुछ नहीं दिखा, मजाक हो रहा है यहाँ पर. इसी बात पे सेल्फी ले लेते हैं. Myself, so I could feel something else. गया. ये बंदर मिट्टी चाट रहे हैं. और की कमी को पूरा करने के लिए ना. हाँ. क्यों खाते हैं ये लोग? सॉल्ट की कमी को पूरा करने के लिए. अच्छा. नमक खाते हो आप? नमक की रिक्वायरमेंट मिट्टी से पूरी करते हैं. ओके. तो उधर ये उधर हाथी दिखे, हाथी का झुंड. काफी देर की सफारी के बाद हम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी थी, तो तीन दुकानों पर हम खा रहे हैं कुछ कुछ. यहाँ पर पी रहे हैं चाय, वहाँ पर बन रहे हैं छोले कुलचे, और यहाँ से ले रहे हैं हम वेफर्स. तो चाय पीते हैं मिट्टी के चूल्हे पर चाय.